हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट करें ताकि आप पा सके मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सॉफ्ट रोटियां कैसे बनानी हैं। सबसे पहले हमारे को चाहिए होगा पानी और आटा। यहाँ पे आटा मैं ले रही हूँ 4 कप। राइस कप से मैंने मेज़र करके 4 कप लिया है। आप जितना खाते हैं उतना आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 लीटर पानी का इस्तेमाल मैंने किया है। इस पूरे प्रोसेस में तेल का, मिल्क का और सॉल्ट का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। आटे को किस तरीके से घुलना है ये एक छोटी सी टेक्निक है। पानी जब आप डालते हैं आटे में, थोड़ा थोड़ा करके डालें और आटे को अच्छे से मिलाएं। जैसे ही अगर आप ज़्यादा पानी डाल लेते हैं तो आटा जो है बहुत ही लूज़ हो जाता है। अगर आप कम पानी डालते हैं तो आटा जो है टाइट हो जाता है। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के अच्छे से मिला लें। आटे को इस तरीके से गूंदने के वजह से आटे के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से नम हो के आटे को बहुत ही सॉफ्ट बनाते हैं। आटा जैसे ही सॉफ्ट बनता है उसके वजह से ही रोटी के 80% चांसेस होते हैं सॉफ्ट बनने के। इस तरीके से बनाने के बाद हाथों के हेल्प से इस तरीके से गूंद लें। इस तरीके से गूंदने के बाद 5 से 10 मिनट इसे फिर से रिपीट करें। इस तरीके से करने से आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इस तरीके से गूंदने के बाद एक राउंड गोला बना के इसे साइड रख लें। जैसे ही आप इसका एक छोटा सा गोला बना के साइड रखते हैं, इसके ऊपर ड्राई क्लॉथ रख के 5 से 10 मिनट तक के लिए कवर कर लें। कवर करने के बाद जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, इस आटे को फिर से एक बार गूंद के आप इसके गोले बना लें। गोले बनाने के बाद इसे आटे का शेप दे दें और अपने पैन को लो फ्लेम या तो फिर मीडियम फ्लेम में रख कर हीट कर लें। याद रखें, हीट हाई फ्लेम में ना रखें। अगर आप हाई फ्लेम में रखते हैं तो रोटी जलने के चांसेस होते हैं। मीडियम फ्लेम में रखने के बाद रोटी को इस तरीके से हाथों के हेल्प से घुमा लें। घुमाने के वजह से रोटी में छोटे छोटे बबल्स आते हैं जिसके वजह से रोटी जो है बहुत ही अच्छे से फ्लफी बनती है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी आप इसे जलाने के बाद इस तरीके से हाथों से घुमा लें। घुमाने के बाद इस रोटी को आप निकाल के स्टाव पर डाल लें। अब आप देख सकते हैं इस रोटी को मैं लेकर इस स्टाव पे इस तरीके से डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि रोटी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो ये थी छोटी सी टेक्निक और छोटा सा प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और किसी को बताना हो तो शेयर कीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।